मिशन 2024 की कवायद में बीजेपी जुट गई है। केंद्र सरकार को 9 साल हो गए हैं और इन 9 साल में केंद्र सरकार ने क्या क्या काम किए, इन तमाम उपलब्धियों को गिनवाने के लिए बीजेपी के तमाम केंद्रीय नेता हो या प्रदेश स्तरीय नेता हो, वो अब लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। इसी कड़ी में सिरसा में 9 तारीख को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आ रहे हैं। क्या कार्यक्रम रहने हैं, अमित शाह की रैली भी बताई जा रही है, वो कब होनी है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ सिरसा बीजेपी के जिलाध्यक्ष आदित्य देवीलाल हैं। आदित्य जी, किस तरह के कार्यक्रम हैं, 9 साल को सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो क्या क्या कार्यक्रम है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 9 साल का जो कार्य उन्होंने किए हैं देश के अंदर, उन तमाम चीज़ों को लेके जन जन तक, आम कार्यकर्ता तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाने का एक लक्ष्य निर्धारित हुआ है। उसी चीज़ को लेके केंद्रीय नेतृत्व ने अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों की अलग अलग विधानसभाओं में जिम्मेवारी लगाई है। ये पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा लोकसभा वाइज इनकी जिम्मेवारी लगी है और हमारा सिरसा जिला जो है वो केंद्रीय मंत्री श्रीमान गजेंद्र शेखावत जी के उसमें आया है और उसी को लेके कार्यक्रम रखा गया 9 तारीख का सिरसा लोकसभा का। पहला कार्यक्रम संयुक्त मोर्चा का कार्यक्रम है, हमारे ज़िले के मोर्चे इकट्ठे होके सब, और उनका एक कार्यक्रम रखा गया है जिसको ओड्डा के गांव में रखा है, डबाड़ी विधानसभा का क्षेत्र है। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम हमारा सिरसा शहर के अंदर है, जितने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे भोजन और उनसे चर्चा, और उसके बाद अगला कार्यक्रम उनका फतेहाबाद जिला के अंदर व्यापारी सम्मेलन है, वहाँ पर उसके बाद और कार्यक्रम उनके लोकसभा के हिसाब से रखे गए हैं। ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए है कि 18 जून को हमारे राज्य केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी, पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका एक बहुत बड़ी रैली हमारे ज़िले को मिली है। हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि इतना बड़ा नेतृत्व और इतनी बड़ी शख्सियत सिरसा ज़िला में आ रही है। हमें तो इस बात की खुशी है और हम तो एक चीज़ और कहना चाहते हैं, एक बात बढ़ के, कि इस दफ़ा ऐसी हम रैली करेंगे जो सभी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगी, क्योंकि सिरसा जिला के लोग हमेशा एक मजबूत नेतृत्व, एक मजबूत आवाज़ को सुनना चाहते हैं और अमित शाह जी से बड़ी मजबूत आवाज़ मैं समझता हूँ कि एक लोगों के अंदर, युवाओं में, आमजन में एक ये अवधारणा है कि अमित शाह जी बहुत मजबूत हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, और सिरसा ज़िला हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जो है उससे हमेशा ही प्रभावित रहा है और ख़ास तौर पे अमित शाह जी से ही। कार्यक्रम तय हो गया है या अभी तैयारी चल रही है, आपकी तरफ से स्थान तय किया गया है, सिरसा में रैली होनी है या फतेहाबाद में, इस चीज़ की अभी कोई तय हुआ? देखिए, सिरसा लोकसभा को रैली होनी है, अभी बड़ा जिला जो है सिरसा है जिसकी 5 विधानसभा है, फतेहाबाद जिले की 3 है और जींद जिला की नरवाना 1 विधानसभा है। समय तय नहीं है क्योंकि अभी हमारा जो नेतृत्व है प्रदेश का और हमारी सरकार है वो तय करेगी। उस दिन अमित शाह जी के 2 कार्यक्रम हैं, एक हमारे एक पंजाब में है, तो समय की और स्थान जो है वो हमारा प्रदेश नेतृत्व तैयारी करेगा। हाँ, जिला अध्यक्ष होने के नाते हमने ग्रामीण अंचल पे तैयारियां अपनी शुरू कर रखी हैं प्राइमरी तौर पे कि किस संख्या बल क्या है, जो भी छोटी चीज़ें जो हमें बारीकी तौर पर माइक्रो लेवल पर जाने की तैयारियाँ हैं वो हमने तैयारी शुरू कर रखी है। बाकी जो हमारे नेतृत्व का आदेश होगा, जिस प्रकार से जिम्मेवारी ड्यूटी लगेगी जिला अध्यक्ष के तौर पे मेरी लगेगी, वो मैं निभाऊंगा, कार्यकर्ताओं की लगेगी, वो सब कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेवारी समझ के इस रैली को हम कामयाब करने के लिए, हमारा लक्ष्य 1 लाख से ऊपर लोगों को इकट्ठा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल, आदित्य देवीलाल सिरसा बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, इनकी तरफ से बताया गया कि गजेंद्र सिंह शेखावत 9 जून को सिरसा में कार्यक्रम करने आ रहे हैं और केंद्रीय मंत्री अमित शाह 18 तारीख को एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, इस तरह की जानकारी दी गई है। फिलहाल रैली का वक्त और स्थान अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन इन तमाम कार्यक्रमों से एक बात तो तय है कि बीजेपी ने मिशन 2024 की तैयारी शुरू कर ली है। सिरसा से मैं नकुल जसूजा, खबरें अभी तक।